मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक सीधा वृंदावन से, हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। नव वर्ष 2024 शुरुआत हो चुकी है। नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आज आपको बताने वाले हैं कि मंगल का जो अस्त का समय था वो समाप्त हो गया और मंगल 16 जनवरी को उदय हो चुके हैं, धनु राशि में गोचर कर रहे हैं उदय की स्थिति में। तो इस पोजीशन में वो तुला राशि वालों के लिए क्या प्रभाव करेंगे, यही वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले मंगल की बात करते हैं। मंगल अगर आपकी कुंडली में अच्छा है, शुभ है, तो आपको अच्छा स्वास्थ्य देगा, मजबूत दिमाग देगा, आपको जो संतुष्टि है वो पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होगी। अगर मंगल आपका अशुभ है, राहु के साथ है, केतु के साथ है या शनि के साथ है, तो इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, मानसिक परेशानियां, हानि, धन हानि, इन सब चीज़ों से दो चार होना पड़ेगा। अगर आपका मंगल शुभ है तो आपको सलाह दी जाती है कि आप मूंगा, अगर आपके कुंडली में कारक है तो आप पहन सकते हैं, और अगर मूंगा कारक नहीं है तो आप हनुमान की सेवा कर सकते हैं। बात करते हैं आज तुला राशि वालों के लिए, मंगल का प्रभाव तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, तुला राशि के लिए मंगल द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं। देखिए, अब केंद्र के स्वामी हैं, साथ में जो शुभ भाव होता है द्वितीय, उसके स्वामी होंगे। तो धन की स्थिति पहले बात करेंगे, बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि मंगल स्वयं धन भाव के स्वामी होकर के, सेकंड हाउस के स्वामी होकर के तीसरे घर में बैठे। अब तीसरे घर में मंगल का प्रभाव वैसे बहुत अच्छा होता है। आप देखते हैं कि तीसरे घर में जो पाप ग्रह होते हैं बहुत ही बली माने जाते हैं, तीसरा, छठवां, दसवां और ग्यारहवां जो भाव है, तो यहाँ पर ये आपको बहुत ही अच्छा धन के मामले में एक प्रोत्साहन देंगे, बहुत अच्छी धन की व्यवस्था भी कराएंगे। आपका पुरुषार्थ, आपकी मेहनत, आपकी हिम्मत बहुत बरकरार रहेगी और आपको किसी तरह की परेशानी धन संबंधी नहीं आने वाली। मंगल परिवार भाव के स्वामी बनते हैं तो परिवार में जो आपको बहन, बड़े भाई और उनसे आपके संबंध बढ़िया रहेंगे, परिवार वालों के साथ संबंध भी आपके अच्छे रहेंगे और उनसे आपको लाभ भी प्राप्त होगा। मंगल सप्तम के स्वामी बनते हैं तो सप्तम के स्वामी बनने से सप्तम भाव पति पत्नी का, व्यापार का भाव होता है, हमारे पार्टनरशिप का भाव होता है, तो पति पत्नियों के जो संबंध हैं आपस में, पत्नी या पति, बहुत अच्छा इनका आपस में रिलेशन रहेगा। जीवन साथी के साथ ज़्यादा सुखद बातचीत बनाए रखने की स्थिति में नजर आएंगे आप दोनों, और इसके अलावा आपके जीवन साथी के साथ तालमेल बहुत अच्छा बना रहेगा। आपकी जो कार्य कुशलता है बहुत शानदार रहेगी। आप एक दूसरे के साथ ऐसे नजर आएंगे जैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। व्यापार की बात करते हैं तो अच्छा खासा धन आपको प्राप्त होने की संभावना है। आप अच्छी मात्रा में बचत भी कर पाएंगे, कामयाब होंगे इस मामले में, और मंगल के इस परिवर्तन के दौरान आप सट्टेबाजी के माध्यम से भी अच्छा धन प्राप्त कर सकते हैं। व्यापार क्षेत्र से जुड़े हुए जो जातक हैं उनका मंगल का उदय होने के दौरान मध्यम लाभ प्राप्त होगा आपको। इसके अलावा कभी कभी आप नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति में भी खड़े नजर आएंगे। इस अहम परिवर्तन के दौरान व्यापार में आपको अपने जो प्रतिस्पर्धी हैं, आपके जो कंपटीटर हैं, उनके साथ आपको कड़ी स्पर्धा प्राप्त होगी और आप उसमें कामयाब भी होंगे। देखिए, मंगल धनु राशि में उदय होने के पश्चात तुला राशि के जातकों को अच्छे दोस्त मिलेंगे, धन लाभ होने और अपने भाई बहनों से सहयोग प्राप्त होने की उच्च संभावना बन रही है। तो मित्रों, ये जो मंगल है तुला राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव लेकर के आया है। धन धान की वृद्धि होगी और स्वास्थ्य संबंधी कोई इनको परेशानी होगी नहीं, क्योंकि मंगल स्वयं सप्तम भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी होने के नाते स्वास्थ्य संबंधी आपको कोई परेशानी नहीं देंगे। तो ये मंगल का छोटा सा एक आपके सामने प्रोग्राम पेश किया तुला राशि वालों का, कैसा लगा आपको कमेंट में अपनी राय दें। और जो दर्शक हमसे नया जुड़ रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल पुश आइकॉन में इसको ऑल करें, उसके बाद प्रोग्राम देखें, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें और ज़्यादा अच्छा लगता है तो इसको अपने जो क्लोज सर्कल है आपका, फ्रेंड का, रिश्तेदारों का, उसमें आपको शेयर करें। अगला प्रोग्राम लेकर जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय